हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है डे 31 ऑफ 75 सॉक चैलेंज और आज मॉर्निंग हो गई है बहुत देर की। अभी तो टाइम हो रहा है 11:30 लगभग हो रहा है और हमारा मॉर्निंग जो रूटीन होता है वो सब कुछ हो चुका है और आज मेरा डे वन है पीरियड्स का। सो इसीलिए थोड़ा डल डल आप सभी को लग सकती हूँ। और आज मैंने मतलब सुबह में बिल्कुल आप सभी से बात बात नहीं की और मतलब ब्रेकफास्ट टाइम में भी मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया। कल जो दाल बनाई थी वो दाल मखनी, उसी से हम लोगों ने नाश्ता किया था, उसी के साथ हमने रोटियां सेकी थी वो खाई थी, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। और जैसा जैसा दिन रहेगा वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि आजकल ब्लॉग जो चल रहा है ना, आज शूट हो रहा है तो कल चला जाएगा ऐसे वाला, आज डे 30 का ब्लॉग जाएगा। सो थैंकफुली अभी रूटीन में आ गया है मेरा ब्लॉग्स कि आज शुरू हो कल चला जाए, वही सही लगता है। नहीं तो फिर स्पेस भरने लगता है मोबाइल में भी और समझ में नहीं आता है क्या करूँ कैसे करूँ। सो वही है, मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ा सा रेडी हो गई थी और मैंने कुछ वीडियोज वगैरह बनाए हैं और ना मैंने आज वीडियो इसलिए बनाना चूज किया क्योंकि आज थोड़ा मौसम ना मतलब उतना ज्यादा गर्म नहीं है, दैट्स व्हाई। और लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैंने आज बैठे बैठे वाली शॉर्ट्स बनाई है। एक शॉर्ट आएगा इस ब्लॉग से पहले ही, डेफिनेटली आ जाएगा कल मॉर्निंग में 11 AM। मतलब मैं ज्यादातर शॉर्ट जो होते हैं 9 AM से शेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो दिन में 2-3 जैसे मेरा पॉसिबल हो पाता है वैसे मैं डालने की कोशिश करती हूँ। तो क्या कहते हैं, वो बहुत मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो शॉर्ट, तो उसी पर मैंने भी थोड़ा सा बनाया है। आई होप आप लोग को पसंद आए और बहुत मेहनत लगी है उसमें, मैंने बहुत बार टेक लिया है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मिनट का वीडियो है। तो वो मैंने बनाया, मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी उस रील को बनाते बनाते, शॉर्ट को सॉरी। और बस थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया ये सब बनाकर, नहीं तो ना मन बहुत खराब खराब सा हो रहा था। और देखो कल मैं आप सभी से शेयर कर रही थी ना, मतलब कल मेरा कैसा दिन ही जा रहा था और मुझे एक दिन पहले पता ही चल जाता है। मतलब कल हस्बैंड ने भी सच में इतना कोऑपरेट किया, मतलब कल ना मैं बिना बात के उन्होंने कुछ रील्स वगैरह ना भेजी थी, कॉमेडी वाली होती है ना, थोड़ा मेरे को भेजते रहते हैं, तो मैं उन्होंने भेजा था तो मैंने उनको गुस्सा करके बोल दिया, तो बड़े मतलब प्यार से पूछ ही रहे थे क्या हुआ ये वो करके, तो मैं और उन पे गुस्सा करे जा रही थी तो वो ये सोच रहे थे कि बच्चों ने बहुत ज्यादा परेशान कर लिया लग रहा है इसे, इसीलिए ये ज्यादा ऐसे कर रही है, इरिटेट हो रही है। पर ऐसा कुछ भी नहीं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि बच्चों की वजह से। सबसे पहले हैं क्या? हाँ अभी आ रहे हैं। तो मैंने मतलब बच्चों से आकर सबसे पहले पूछा, ये तुम लोगों की पिटाई विटाई हुई है क्या, घर का माहौल कैसा है, वो चेक करने के लिए पूछा बच्चों से। तो दोनों बच्चों ने कहा नहीं, बिहान ने तो कहा नहीं पापा नहीं मारा, मम्मा ने, और तक्ष कह रहा पापा मम्मा ने भैया को मारा। मैंने कहा हद है यार, मैंने कहा यार। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मैंने आप सभी को शेयर किया था ना, आज मैं थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह बनाए हैं ना, थोड़ा मूड मेरा फ्रेश हो गया, अदरवाइज मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब चल रहा था। खैर मूड को तो ठीक करना ही पड़ेगा क्योंकि पूरी फैमिली सफर करती है, तो इसीलिए मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं शॉर्ट्स रील्स ये सब बनाती रहूँ, जिससे मेरा खुद का मूड ठीक हो जाता है। और यार बहुत डिफिकल्ट है एक फैमिली को चलाना और एक अकेले 2 बच्चों के साथ अपना वेट लॉस पे ध्यान देना प्लस घर का सारा काम करना बहुत डिफिकल्ट है यार। मतलब वो लोग रिलेट कर सकते होंगे जैसे वो मेरी तरह न्यूट्रल फैमिली में रहते हैं, किसी को कोई मतलब एक ये भी सपोर्ट होना कि एक मतलब मदर इन लॉ होती है या फादर इन लॉ होते हैं या फिर कोई भी बड़े होते हैं, वो घर में होते भी हैं या फिर वो मत घर में हो, आप साथ में ही गिरानी जिठानी लोग रहते हैं, हालांकि उनमें तू तू मैं मैं होती है वो चीज ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होती है ये चीज। आप किसी भी परिस्थिति, हम लोगों को इतना डर लगता है खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हो जाए, अब जैसे मैं अकेले घर में रहती हूँ, हेल्थ इश्यूज भी हैं, कुछ दिक्कत ऐसी हो जाए जो कि बच्चों के दिमाग में ना भी आ पाए कि पापा को फोन करना है या कुछ है। सो फ्रेंड्स, अभी ना क्या कहते हैं, शाम का समय हो रहा है, 4:30 अप्रोक्सीमेटली बज रहे हैं और मैं यहाँ पर ले रही हूँ रोजे वाला मिल्क। वैसे मैं नहीं लेती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, मैंने कहा अवॉइड नहीं करते हैं ले लेते हैं, तो मैंने कहा चलो आज ठंडा ठंडा दूध पी लेते हैं। मुझे नहीं पता क्यों मेरा मन हो रहा था, तो वैसे मैं नहीं पीती हूँ, नहीं पीना भी चाहिए और आज मुझ पर कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं पी लेती हूँ। बहुत राहत मिल रही है यार, बहुत संतुष्टि मिल रही है। मैंने सिर्फ दूध लिया है ठंडा, उसमें रूह अफ़ज़ा डाला है और शक्कर वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ दूध है।
रूअफजा डालने के बाद ही क्या कहते हैं इतना ज्यादा मीठा लग रहा है, मजा आ गया। चलिए मैं ये फिनिश करती हूँ, देन मिलती हूँ आप सभी से। सो फ्रेंड्स, लास्ट मैंने आप सभी से कब बात की मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आज ब्लॉग बहुत ही ना के बराबर बना है। और क्या कहते हैं, आज ना मैं बहुत ज्यादा लोमी फील कर रही हूँ, और एक तो पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से मैंने ज्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई हूँ। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अभी मैं देखो कितनी ज्यादा यहाँ पर गर्मी है वो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। मेरी पूरी गाउन गीली, मतलब कुर्ती पूरी गीली हो गई है, जस्ट बिकॉज ये पसीने से। बस मैं अभी किचन में सारा अपना काम करके आई हूँ, खाना बनाकर और बर्तन करना, गैस वैस साफ वाफ करना, वो सब करके आई हूँ। इतने में मैं पूरी नहा गई हूँ पसीने से। तो अभी मैं जा रही हूँ वॉश लेने, एंड देन मैं खाऊंगी खाना। और मैं आज दिन में भी आप सभी को दिखा नहीं पाई, मैंने बस वो रूह अफ़ज़ा वाला दूध पिया था, आई थिंक वो दिखाया था। और शाम के समय मैंने ना थोड़ा सा वाटरमेलन खाया था, मतलब दो जो स्लाइस होते हैं उसके, वो कट करके उसको चॉप करके खाया था। वो मैं आप सभी को दिखाना भूल गई, क्योंकि ना मेरे गले में जलन मच रही थी। मे बी शायद मैं रूह अफ़ज़ा मिल्क मैं नहीं ले रही हूँ, जब मैं रूह अफ़ज़ा मिल्क से वैसे होता नहीं है, पता नहीं क्यों ही मेरे गले में जलन मच रही थी। मे बी हो सकता है मैंने पानी इंटेक कम हुआ हो, क्योंकि पीरियड टाइम है ना, पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है। सो बस उसी वजह से हो सकता है मैंने पानी इंटेक कम किया हो, तो मेरे पेन हो, मतलब गले में जलन जैसा हो रहा था। तो मैंने दो स्लाइस ना उसकी वाटरमेलन की कट करके खा रही थी। सो बस ऐसे जैसा हुआ आज का पूरा दिन, और बहुत ज्यादा पेनफुल था आज का दिन। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत, तो मतलब मैं कोई रूटीन शेयर नहीं करता आज का, लेकिन फिर भी मैंने घर के आज सारे ही काम ऑलमोस्ट फिनिश किए, उठे, और आज का दिन ऐसे ही निकला है। तो चलिए अभी मैं वॉश लेके आती हूँ, एंड देन अपना डिनर करते हैं। आज भी डिनर लेट हो गया है, पता नहीं क्या ही है, बच्चे इतना ज्यादा परेशान करते हैं ना, मैं आप सभी को बता नहीं सकती यार। इतने बर्तन कर देते हैं, मतलब बर्तन साफ करो इधर में, मतलब ग्लास जितने भी ग्लास होते हैं बच्चे सारे नीचे ले आते हैं। मतलब पल पल पे उन लोग को प्यास लगती है, पल पल पे पानी पीकर वो ग्लास मजने में रख देते हैं। यार मैं मतलब इतना त्रस्त हो गई हूँ इस चीज से, मैं क्या कैसे हैंडल करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भूख हर पल भूख लगती रहती है दोनों को, और क्या कहते हैं क्या होता है जब खाने को तो वो खाना नहीं होता है, थोड़ा बहुत खाकर छूट जाता है, खासकर छोटे वाला। जैसे क्या कहते हैं एक पराठा लेकर बैठूंगी मैं कि अभी ये खा लो, एक पराठे में से चौथा ही पराठा भी नहीं खाता है, इतनी शैतानियां करता है। मतलब हैंडल करना इतना डिफिकल्ट हो गया है ना, मुझे तो रोना आने लग जाता है, पर क्या कर सकते हैं, झेलना तो पड़ेगा ही। चलिए मिलती हूँ आप सभी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने बनाई है ये पनीर भुर्जी, और साथ में ले रही हूँ मैं दो रोटी। फ्रेंड्स अभी मैं सो के उठी हूँ, अभी टाइम हो रहा है 6:15 का, और क्या कहते हैं कल मैं इस ब्लॉग को एंड करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा अभी आप सभी से बाय बाय कर लेते हैं। और कल मेरी पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो इस वजह से खाना खा के थोड़ी देर इधर उधर वॉक किया, थोड़ा बहुत काम किया, फिर क्या कहते हैं मैं आकर यहाँ पर सो गई थी, और मेरे को याद ही नहीं था कि मेरे को ब्लॉग एड करना है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और एक फ्रेंड का भी कॉमेंट जस्ट मैंने पढ़ा कि आप मतलब रूटीन ब्लॉग दिखाने से अच्छा है कि आप मतलब बोलने से अच्छा है कि आप रूटीन ब्लॉग अपना दिखाओ कि आप क्या शेड्यूल रहता है। तो हाँ, मैं आज से कोशिश करूंगी कि मैं जो भी कर रही हूँ डेली में वो थोड़ी 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 क्लिप लेती रहूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तो वो बात एक अलग है, तो जैसा ये ब्लॉग बन पाया है वैसा ही बन पाएगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना रूटीन पूरा दिखाने की कोशिश करूँ। सो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अपने सजेशंस देते रहा करो कि आपको क्या देखना पसंद है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो बाय बाय।